अल्लाह तबारक व तआला ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को हमारे और आपके ऊपर जो है फर्ज फरमाया। मोहब्बत का यह दस्तूर है कि जिसकी मोहब्बत ज्यादा होती है, जिसकी मोहब्बत होती है उसकी याद ज्यादा होती है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें उनकी मोहब्बत का हुक्म दिया और मोहब्बत का दस्तूर ही है कि जिसकी मोहब्बत होती है उसकी याद ज्यादा होती है। तो अल्लाह ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का हुक्म देकर के हमें याद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम का हुक्म दिया। और याद मुस्तफ़ा में जिक्र मीलाद मुस्तफ़ा भी याद मुस्तफ़ा है। तो ये आयत करीमा जो है वो जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का हुक्म दे रही है तो इसी आयत करीमा से याद मुस्तफ़ा का हुक्म भी साबित हुआ। और इसी आयत करीमा से यह मालूम हुआ कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र मीलाद जो है वो जिक्र मीलाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आयन याद है। और वह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद जो है वह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की आयन निशानी है। तो ये फैसला हो गया कि सुन्नी जो मीलाद करता है और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल मीलाद को मुनक़िद करता है वो उसकी मोहब्बत का बेहतरीन सबूत है। बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को अपनी मोहब्बत फरमाया और जिसकी मोहब्बत होती है उसकी याद ज्यादा होती है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत करीमा से हमको ये बता दिया गोया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद तो अल्लाह की याद है और हुज़ूर का जिक्र अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र है। हदीस पाक में है कि अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है जअलतुका ज़िक्रन मिन ज़िक्री फमन ज़करका फ़क़द ज़करनी, मैंने आपकी याद को, मैंने तुम्हारी याद को अपनी याद बनाया तो जिसने तुम्हारी याद की उसने मेरी याद की। तो हम लोग किसी तरह से भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र पाक करें, उनकी मीलाद का जिक्र करें, उनके फजाइल का जिक्र करें, उनकी सीरत का जिक्र करें, उनका जिक्र करें, जिस तरह से भी उनका जिक्र करें वो अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र है। और उनका जिक्र तो उनका जिक्र है, उनके आल का जिक्र किया जाए, उनके असहाब का जिक्र किया जाए, उनकी उम्मत या औलिया इकराम का जिक्र किया जाए, ये भी रसूल करीम सरवर आलम सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम की याद है और उनकी तारीफ है। और बिलवास्ता ये जैसे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ है यूं ही अल्लाह तबारक व तआला की भी तारीफ है और अल्लाह तबारक व तआला की भी हम्द है और उसकी भी याद है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने रसूल की याद को अपनी याद बनाया है और रसूल की याद और रसूल की मोहब्बत बगैर सहाबाए किराम की मोहब्बत के, बगैर आले इज़ाम की मोहब्बत के और औलियाए किराम की मोहब्बत के रसूल की मोहब्बत हो ही नहीं सकती है, उनकी याद हो ही नहीं सकती है। तो मालूम यह हुआ कि सिलसिला ब सिलसिला जो है इन तमाम असहाब की और इन तमाम लोगों की, सहाबाए किराम की और आले बैत पाक की और औलिया किराम की मोहब्बत जो है वह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के लिए लाजिम है और उनकी याद जो है वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद के लिए लाजिम है। इसीलिए सुन्नी जहाँ महफिल मीलाद मुनक़िद करता है वहां पर जो है वो सुन्नी जो है औलिया किराम के आरास मुबारक और औलिया किराम के यादों को भी मुनक़िद करता है और उनकी यादों को भी कायम करता है और उनके तारीख विसाल पर उनके उर्स को भी मनाता है। और जिस तरह से बुजुर्गान दीन का दुनिया में आना जो है वो बाइस बरकत होता है, तो बुजुर्गान दीन का इस दुनिया से तशरीफ ले जाना भी जो है वो हम जैसे बेकसों के लिए और हम जैसे नाबकारों के लिए जो है उनका इस दुनिया से तशरीफ ले जाना भी वो रहमत से और बरकत से खाली नहीं होता है। और जिस दिन वो तशरीफ ले जाते हैं इस दुनिया से, उस दुनिया में तशरीफ ले जाते हैं वो दिन भी जो है बहुत रहमतों का और बहुत बरकतों का और अल्लाह तबारक व तआला की बड़ी नवाजिशों का दिन होता है। जैसे उनकी तशरीफ आवरी का दिन जो है वो दुनिया में तशरीफ आवरी का दिन जो है वो बड़ी बरकत का दिन होता है, बड़ी रहमत का दिन होता है, इसी तरीके से उनका दुनिया से तशरीफ ले जाना भी जो है वो बड़ी रहमतों का बरकतों का दिन होता है। और उनका जाना जो है वो मामूली बात नहीं होती है। वो जाते हैं तो फरिश्ते उनकी पेशवाई के लिए आते हैं और उनकी रूह को जो है वो लेकर के फरिश्ते बुलंद होते हैं आसमानों में। और फरिश्ते जो है जब बुलंद होते हैं तो दूसरे फरिश्ते जो आसमानों में हैं वो उनकी रूह का इस्तकबाल करते हैं, मरहबा मरहबा कहते हैं और उनकी रूह की और उनकी रूह जिस कपड़े में लिपटी हुई है, मुश्क वाले कपड़े में, रेशम के कपड़े में लिपटी हुई है, उस रूह की खुशबू से बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कि कितनी नफीस खुशबू है। वो फरिश्ते बताते हैं कि ये अल्लाह तबारक व तआला के फला नेक बंदे की
खुशबू है। तो हजरत आला हजरत इसीलिए फरमाते हैं कि अर्श पर धूमे मची वो मोमिन सालिह मिला और फर्श से मातम उठे वो तैयब ताहिर गया।